Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Reedy College, University of Allahabad. And this is my email ID. And today I am going to discuss a very important, relevant topic under research methodology, that is purposive sampling. First of all, I have to take in sampling techniques, but due to certain issues, I will take purposive sampling first. Okay, so as usual, the lecture will be in bilingual mode, that is Hindi and English medium students, both type of students may get benefited from this lecture, and this lecture will be very useful. It has no doubt about it. Okay, so let's start. पर्पजिव सैम्पलिंग, जब भी हम रिसर्च मेथोडोलॉजी का चैप्टर पेपर पढ़ना शुरू करते हैं, आप उसे बी एड में तो जनरली नहीं रहता है, एम एड में हो या एम ए एजुकेशन में हो, या आप प्री पी एच डी कोर्स वर्क करते हैं, उसमें आपको सैम्पलिंग पढ़ाई जाती है, बिकॉज सैम्पलिंग आपके रिसर्च का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है. अब एक बहुत जनरल क्विक रिव्यू आपको सैम्पलिंग के बारे में दे देती हूँ. आप जानते होंगे कि सैम्पलिंग है क्या, हमको क्या करना है, जो पॉपुलेशन है उससे हमको सैम्पल चुनना है. तो ये जो चुनने की प्रक्रिया है वही सैम्पलिंग है, कि कैसे आप पॉपुलेशन में से सैंपल निकालते हैं. क्यों? क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि जो आपकी पॉपुलेशन है उसको आप पूरा अध्ययन कर पाए, है ना. तो जो क्वांटिटेटिव रिसर्चेस होती हैं उसमें क्या होता है, हमको रिप्रेजेंटेटिव सैंपल निकालना होता है, यानी कि जो पॉपुलेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब हमारे सैंपल में होनी चाहिए. जितना ज्यादा बढ़िया रिप्रेजेंटेशन हमारा सैंपल पॉपुलेशन का देगा, उतना ही बढ़िया हम अपने रिसर्च का जो फाइंडिंग्स होगी उसका जनरलाइजेशन कर सकते हैं. तो चूंकि ये बीच में एक टर्म आ गया पर्पजिव सैम्पलिंग, और इसके संग क्योंकि मुझे क्रिटिकल केस सैम्पलिंग पढ़ाना है, इसलिए मैंने ये दो वीडियोस बनाए हैं, तो फिर बन जाएगा कि सैम्पलिंग टेक्निक, तो आप इससे कनेक्ट कर लीजिएगा, है ना. तो क्वांटिटेटिव रिसर्चेज हैं, जो आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज हैं, उसमें जो सैम्पलिंग होती है उसका पर्पस है कि वो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन दे पाए सैंपल में, क्योंकि पॉपुलेशन वहाँ बहुत बड़ी होती है, सैंपल भी अपेक्षाकृत बड़ा होता है. लेकिन हम चूंकि क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रिसर्चेज की बात कर चुके हैं, तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो क्वालिटेटिव रिसर्चेज हैं उसमें हमारा पर्पस जनरलाइजेशन नहीं है. उसमें हमारा पर्पस क्या है, उसमें हमारा पर्पस है कि हम एक्सप्लोर कर सकें, हम निकाल सकें, हम सच जान सकें, हम पार्टिसिपेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सकें. तो इसमें हमको पर्पजिव सैम्पलिंग करनी होती है. पर्पजिव सैम्पलिंग का मतलब कि हम उसी हिसाब से सैम्पल को चुन रहे हैं जो हमारा पर्पस सॉल्व करे. हमारा पर्पस मतलब हमारा जो प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम लेकर हम अपनी रिसर्च करना शुरू किए हैं, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमको वो सैंपल या वो पार्टिसिपेंट दे पाए. ओके, तो क्या है पर्पजिव सैम्पलिंग? अच्छा हाँ, एक बात और, जो क्वांटिटेटिव रिसर्चेज में सैम्पलिंग होती है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है ना, और जो आपका ये क्वालिटेटिव वाला है वो सारा नॉन प्रोबेबिलिटी है. तो जो पर्पजिव सैम्पलिंग है, इट रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स. यानी कि मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्चेस पर्पजिव सैम्पलिंग वाली हैं, और आपका रैंडम सैम्पलिंग जो है वो क्वांटिटेटिव रिसर्चेस का हिस्सा है. तो इट रिफर्स टू ए ग्रुप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स इन विच यूनिट्स आर सिलेक्टेड. तो इसमें यूनिट्स कैसे सेलेक्ट की जाती हैं, किसी पार्टिसिपेंट को आप कैसे सेलेक्ट करते हैं, बिकॉज क्या उसका क्राइटेरिया होना चाहिए, बिकॉज दे हैव कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू नीड इन योर सैम्पल. यानी कि हम अपने सैम्पल में जो विशेषताएं चाहते हैं वो अगर उस यूनिट में होगा हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे. दैट बस इतना हमको ध्यान देना है. इन अदर वर्ड्स, यूनिट्स आर सिलेक्टेड ऑन पर्पस इन पर्पजिव सैम्पलिंग. यानी कि उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यूनिट को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वो पर्पजिव सैम्पलिंग होगी. और ऑल्सो कॉल्ड जजमेंटल सैम्पलिंग, इसको जजमेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं. दिस सैम्पलिंग मेथड रिलाइज ऑन द रिसर्चर्स जजमेंट. यानी कि हमने निर्णय लिया ना, कोई और हमको नहीं बताने आएगा कि कौन सा आपको पार्टिसिपेंट आपका सैम्पल बनेगा. हमको लगता है कि हमारी रिसर्च के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसका पर्पज इस पार्टिसिपेंट से फुलफिल हो सकता है, तो हमने उसको अपने सैम्पल का हिस्सा बना लिया, अपना सैम्पल बना लिया. तो जजमेंट कौन लेगा? रिसर्चर लेगा. ओके, इसीलिए जजमेंटल सैम्पलिंग भी कहलाई जाती है. तो दिस सैम्पलिंग मेथड रिलाइज ऑन द रिसर्चर्स जजमेंट व्हेन आइडेंटिफाइंग एंड सेलेक्टिंग द इंडिविजुअल्स. हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं, चुन रहे हैं किसको, इंडिविजुअल्स को, केसेस को, इवेंट्स को, दैट कैन प्रोवाइड द बेस्ट इन्फॉर्मेशन टू अचीव दी स्टडीज ऑब्जेक्टिव. हमको लगता है कि इस पार्टिसिपेंट से हमको बेस्ट तरीके से, सबसे अच्छे तरीके से हमारी स्टडी का ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो सकता है, हम उसको चुन लेंगे.
ओके, और पर्पज ऑफ सैम्पलिंग इज कॉमन इन क्वालिटेटिव रिसर्च, मैंने आपको बता दिया ये बात पहले ही, क्यों? क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च, सीधी बात कि क्वालिटेटिव रिसर्च का उद्देश्य जनरलाइजेशन नहीं है, इसलिए हम प्रोबेबिलिटी या रैंडम सैम्पलिंग नहीं करेंगे, हम वो चुनेंगे जो हमको लगता है कि हमारे प्रश्नों का उत्तर दे सके। एंड मिक्स मेथड रिसर्च, क्यों? क्योंकि मिक्स मेथड में क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों होता है। इट इज पर्टिकुलरली यूजफुल इफ यू नीड टू फाइंड इन्फॉर्मेशन रिच केसेस और मेक द मोस्ट आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, बट इज एट हाई रिस्क फॉर रिसर्चर बायस लाइक ऑब्जर्वर बायस। मतलब लेकिन हमेशा जो इसके मतलब अच्छी बात है कि हमको लग रहा है कि इससे हमारी बात का उत्तर मिल जाएगा, हमको वो मिल जाएगा जो हम ढूंढने चले, हमने इनको चुन लिया, तो हमने चूंकि पर्पज के हिसाब से चुना इसलिए पर्पज इज सैम्पलिंग, चूंकि क्वालिटेटिव रिसर्च का यही उद्देश्य है इसलिए क्वालिटेटिव रिसर्च का ये हिस्सा है। लेकिन और हमको इन्फॉर्मेशन रिच केसेस मिल जाएंगे जिससे हमको लगता है कि इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल जाए, लेकिन इसके संग दिक्कत सबसे बड़ी यही है कि इसमें ऑब्जर्वर बायस है, रिसर्चर बायस, मतलब हमको ऐसा लग रहा है इसलिए हमने ऐसा चुना ना, जरूरी नहीं हमको सही लग रहा हो, या हमको ठीक है इन्हीं से बात कर लेते हैं, ये हमारे दोस्त हैं हम इनसे पूछ लेते हैं और ये जो बताएंगे हम लिख लेते हैं, तो इस तरीके का बायस इसमें चलता है, इसलिए इसकी क्रेडिबिलिटी को, रिलायबिलिटी को हैम्पर करता है, कम करता है। ओके तो ये तो इसके बारे में मोटा मोटा हुआ कि पर्पजिव सैम्पलिंग है क्या। अब एडवांटेजेस क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। देखिए ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि एडवांटेज क्या है कि हमको जल्दी से हो जाएगा, हमको जो हमारे लिए सहूलियत है उसके हिसाब से हम कर लेंगे, हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जल्दी मिल जाएगी, कम रिसोर्सेज में मिल जाएगी, ये सारी। और डिसएडवांटेजेस क्या है, वही रिसर्चर बायस जो है उसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसका। ओके तो देखते हैं क्या है कि वन ऑफ द मेजर बेनिफिट्स ऑफ पर्पजिव सैम्पलिंग इज द वाइड रेंज ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स दैट कैन बी यूज्ड टू अक्रॉस सच क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइंस। जब आप पर्पजिव सैम्पलिंग को डिटेल में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे बहुत सारे उसके अंदर सब हेडिंग्स हैं, सब कैटेगरीज आती हैं, और लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बहुत माइनर डिफरेंस है सबके बीच में। मेन सब पर्पजिव सैम्पलिंग है लेकिन उसमें किसी में कुछ खासियत है, किसी में कुछ खासियत है, ऐसे करके कई सारे उसके तरीके हैं। सॉरी तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि वाइड रेंज ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक, बहुत तरीके से हमको सैम्पलिंग टेक्निक के ये हमको रेंज परास प्रदान करता है। और पर्पजिव सैम्पलिंग टेक्निक्स दैट रेंज फ्रॉम होमोजेनस सैम्पलिंग थ्रू टू क्रिटिकल केस सैम्पलिंग, एक्सपर्ट सैम्पलिंग एंड मोर, बहुत सारे नाम है। क्रिटिकल केस को मैं अलग से बताऊंगी आपको, मेनली मैं क्रिटिकल केस सैम्पलिंग और पर्पजिव सैम्पलिंग के बीच के डिफरेंस को बताने के लिए ही मैं आपको पहले पर्पजिव सैम्पलिंग बता रही हूँ, फिर क्रिटिकल केस सैम्पलिंग नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी। ओके तो ये जो सैम्पलिंग टेक्निक है, होमोजेनस सैम्पलिंग से लेकर क्रिटिकल केस, एक्सपर्ट सैम्पलिंग, थ्रू स्नोबॉल सैम्पलिंग करके बहुत सारे इसके टाइप्स हैं। ओके While the various purposive sampling techniques each have different goals, they can provide researchers with the justification to make generalizations from the sample that is being studied. Whether such generalizations are theoretical, analytic and oblique or logical in nature. देखिए आपको शायद ना पता हो, नहीं जनरली ये नहीं लिखा रहता है किताबों में जब हम लोग टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं कि generalizations logical भी हो सकते हैं, generalizations analytic भी हो सकते हैं, generalizations theoretical भी होते हैं, यानी कि जरूरी नहीं हमेशा statistical generalization हो। statistical generalization हमको कौन provide करता है, क्वांटिटेटिव रिसर्चेस, एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस हमको स्टैटिस्टिक के आधार पर बता देती है कि ठीक है ये जो हमारा रिजल्ट निकल गया है वो पूरी पॉपुलेशन पे सामान्यीकरण उसका हो सकता है, जनरलाइजेशन हो सकता है। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्चेस भी जनरलाइजेशन देती है लेकिन वो स्टैटिस्टिकल जनरलाइजेशन ना होकर लॉजिकल जनरलाइजेशन होता है। ये एक यू कैन से नया अंतर है, जनरली लोग नहीं जानते इसके बारे में। तो वेरियस पर्पजिव सैम्पलिंग टेक्निक्स सबका अलग अलग गोल है, वो हमको रिसर्चर को जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करती हैं कि आप अपने सैंपल का भी जनरलाइजेशन, सैंपल से जो निकल के आ रही बातें फाइंडिंग्स उसका जनरलाइजेशन कर सकते हैं, थ्योरेटिकल हो सकता है, एनालिटिक हो सकता है, लॉजिकल हो सकता है। ओके फिर क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइंस कैन इन्वॉल्व मल्टीपल फेजेस। देखिए हमने आपको जब क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव पढ़ा रखे या जब सिर्फ क्वालिटेटिव, तो हमने आपको बताया था कि क्वालिटेटिव रिसर्चेस का कोई फिक्स शेड्यूल हमको पहले से नहीं पता होता है। हम जब फील्ड में उतरते हैं तो पता चलता है कि हमको किससे बात करनी है, कितनी बार बात करनी है, अभी कितना शेष रह गया, ये सारा हमको ड्यू कोर्स में समझ में आता है, प्रोसेस में, क्योंकि डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस वहाँ साथ साथ चल रहा है, इसलिए बहुत सारे फेजेज होते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के, और ईच फेज बिल्डिंग ऑन द प्रीवियस वन। और अगला फेज तभी बनेगा जब
पहले पर आधारित होगा, यानी कि पहला जिस हिसाब से शेप ले रहा है, जैसे उसके फाइंडिंग्स निकल रही है उसी के हिसाब से नेक्स्ट, उसके हिसाब से नेक्स्ट, ऐसा पहले से आप नहीं बना के कर सकते कि ऐसा ऐसा होगा, क्योंकि फील्ड में क्या होगा वो फील्ड में जाने पे ही पता चलेगा। तो इन सच इंस्टेंसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स में भी रिक्वायर्ड एट ईच फेज। ये भी हो सकता है कि हर फेज पे हमको नई सैम्पलिंग टेक्निक की जरूरत पड़े। तो पर्पजिव सैम्पलिंग कब यूजफुल होगी? इट इज यूजफुल इन दीज इंस्टेंसेस बिकॉज इट प्रोवाइड्स ए वाइड रेंज ऑफ ऑन प्रोबेबल नॉन लिखना था सॉरी नॉन हो गया ऑन हो गया इट इज इट शुड बी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक फॉर द रिसर्चर टू ड्रॉ ऑन। तो यहाँ पे हमको पर्पजिव सैम्पलिंग हेल्प करती है कि किस फेज पे कौन सा सैम्पलिंग आपको रिक्वायर्ड है। तो ये तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस का ऑब्वियस है क्या है कि पर्पजिव सैंपल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ पर्पजिव सैंपलिंग यूज कैन बी हाईली प्रोन टू रिसर्चर बायस। सिर्फ आप हैं जो तय कर रहे हैं कि कौन सी यूनिट को सेलेक्ट करना है, क्या लेना है, किससे बात करनी है, तो हमारा बायस इसमें आएगा ही आएगा। आप उससे बिल्कुल डिटैच नहीं हो सकते बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। तो द सब्जेक्टिविटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड नेचर ऑफ यूनिट सिलेक्शन, यानी कि उसमें सब्जेक्टिविटी है, रिसर्चर ने चुना है, प्रोबेबिलिटी का ध्यान नहीं रखा गया है, तो ये सब कुछ मतलब लोगों को चुनने में, घटना को चुनने में, ऑर्गेनाइजेशन को चुनने में। तो इन पर्पसिव सैम्पलिंग मींस दैट इट कैन बी डिफिकल्ट टू कन्विंस द रीडर दैट द जजमेंट यू यूज टू सेलेक्ट यूनिट्स टू स्टडी वॉज अप्रोप्रिएट। इसलिए जो रीडर है, जो आपका जो पढ़ रहा है आपकी रिसर्च, जो आप फाइंडिंग्स जिनके संग शेयर करेंगे, उनको आप कैसे कन्विंस कराएंगे कि ये ही सबसे अप्रोप्रिएट था इनको चुनना, इस घटना को चुनना, इस ऑर्गेनाइजेशन को चुनना। क्यों? क्योंकि इसमें सब्जेक्टिविटी और नॉन प्रोबेबिलिटीज का नेचर है ना। और फॉर दिस रीजन इट कैन बी डिफिकल्ट टू कन्विंस द रीडर दैट द जजमेंट यू यूज टू सेलेक्ट यूनिट्स टू स्टडी वॉज अप्रोप्रिएट। ये डबल बार हो गया। फॉर दिस रीजन इट कैन ऑल्सो बी डिफिकल्ट टू कन्विंस द रीडर दैट रिसर्च यूजिंग पर्पजिव सैम्पलिंग अचीव थियरिटिकल एनालिटिक या लॉजिकल जनरलाइजेशन। तो चूंकि आपने खुद चुना है, अपनी सुविधा के हिसाब से चुना है, अपने लॉजिक के हिसाब से चुना है, इसलिए आप इससे लॉजिकल एनालिटिक या थियरिटिकल जनरलाइजेशन निकालना आपके लिए टफ हो सकता है। क्यों टफ हो सकता है? क्योंकि हमको रीडर को कन्विंस करना मुश्किल है। कैसे आप कन्विंस करेंगे कि आपने बेस्ट चुना है? ओके तो ये पर्पजिव सैम्पलिंग है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स के अंतर्गत आता है, क्वालिटेटिव रिसर्च का हिस्सा है, और जो जो यूनिट, जो केस, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो पार्टिसिपेंट हमको लगता है कि इंफॉर्मेशन हमको दे सकता है, हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं पर्पस के हिसाब से, इसलिए इसका नाम पर्पसिव सैम्पलिंग। और वाइड रेंज ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स इसके अंतर्गत आती है, इसीलिए कई बार बड़ा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि मेनली पर्पसिव सैम्पलिंग, और उसके अंदर जैसे जैसे हमारा गोल चेंज होता जाएगा वैसे वैसे सैम्पलिंग टेक्निक चेंज होती जाएगी, और सबका अलग अलग नाम है। ओके, सो आई हैव कवर्ड अ न्यू टॉपिक दैट इज पर्पजिव सैम्पलिंग। मुझे सैम्पलिंग टेक्निक्स अलग से भी लेना है, जब मौका मिलेगा तो मैं उसको लेती हूँ। ओके, तो फिलहाल पर्पजिव सैम्पलिंग आप जानिए, फिर इसके बाद हम क्रिटिकल केस सैम्पलिंग पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा यू कैन से टिपिकल है और जनरली लेस पॉपुलर है, जनरली लोग इसके बारे में नहीं जानते और पर्पजिव सैम्पलिंग से कन्फ्यूज करते हैं। तो हमको ध्यान रखना है कि पर्पजिव सैम्पलिंग जो अम्ब्रेला टर्म है उसके अंतर्गत बहुत सारी सैम्पलिंग टेक्निक्स आती हैं। सॉरी ओके So thank you and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education and join my Telegram group too. Okay, done from my side.